छत्तीसगढ़ जाजगिरी चापा जिला फिरहिद गांव में बोरवेल खसी पड़ा राहुल साहू को उद्धार करी समस्त टीम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित करते एनडीआरएफ एसडीआरएफ सेना समेत छत्तीसगढ़ पुलिस कर्मचारी और श्रमिक श्रेणी कर्मचारी को उत्साहित करते दीर्घ 105 घंटा कसरत कर राहुल को उद्धार करते छत्तीसगढ़ एनडीआरएफ टीम इन्स्पेक्टर महावीर महांती निजे भितर को प्रवेश कर राहुल को उद्धार करते ए बाबदर अधिक सूचना पे हम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि मलय भई जोड़ी होती मलय समस्त जो बा छत्तीसगढ़ जो घटना घटी राहुल बोरवेल रे फसी खास करी जो अक्लांत तो परिश्रम करी बिना विश्राम रे लगातार 5 दिन धरी जो रेस्क्यू टीम तक उद्धार करते आज मुख्यमंत्री संबर्धित कर चिन्मय देखु सबुठ बड़ कथा है 105 घंटा धरी राहुल साहू को उद्धार करते बोरवेल भितर ए बड़ भूमिका रही एनडीआरएफ एसडीआरएफ पुलिस कर्मचारी और अनेक स्थानीय श्रमिक मान दीर्घ 105 घंटा धरी परिश्रम पर कौटी ना कौटी राहुल को सुरक्षित भाव उद्धार कर जानते गत काली निजे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये समस्त को जो मैंने सेवा करते जो मैंने सहयोग करते समस्त को मध्य समर्थित गत काली वर्तमान समय आम रही वर्तमान समय एनडीआरएफ कैंप जो रही छत्तीसगढ़ भिलाई रही एनडीआरएफ कैंप आम अच्छा ये देखुवे चित्र ये हूँ एनडीआरएफ कैंप भिलाई जे जिते बेले ये टीम दीर्घ 5 दिन धरी 105 घंटा धरी अक्लांत परिश्रम पर राहुल को उद्धार करते आप जानते जो कथा सब चर्चा होता है एनडीआरएफ टीम को कौटी ना कौटी वर्तमान समय भूरी भूरी अधिक प्रशंसा करा कहीं ना इनका अक्लांत परिश्रम राहुल को आज बंचेदेला और राहुल बर्तमान समय सुस्थ होकर हस्पिटाल रही सबुठ बड़ कथा तुम देखु ये जो रही कर्मचारी एनडीआरएफ कर्मचारी मैंने दिन राति एकजुट हो एभल कि एसडीआरएफ ये समस्त कर्मचारी एकजुट होकर पूरा पूरी अक्लांत परिश्रम करके कौटी ना कौटी राहुल को उद्धार कर सीधा सलख जो अच्छा एनडीआरएफ कर्मचारी जे रही थे आप जानते जे महावीर महांती जहाँ कथा को निजे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री प्रशंसा करते जे महावीर महांती प्रथम भितर को प्रवेश करते राहुल को उद्धार करते प्रतिज्ञा रखा सीधा सल देखुए ये होती महावीर महांती ये युवक होती ओडिशार ढेंकानाल जिलार कहीं ओडिया पुओं एटे गोटे प्रकार कमाल देखी सीधा सलख महावीर महांती प्रतिज्ञा रखा सर प्रथम तो आपको स्वागत जनवे अर्गस न्यूज को कन्वर्सेशन जनवि कौन कहे केमती रही है से दिन जो 5 दिन धरी 105 घंटा दिन आपत अक्लांत परिश्रम रही है से समय नमस्कार समस्त को स्वागत से दिन कथा बखाणवा कौन कह समे जा सारे 10 तारीख संध्या 5:45 आडिशनाल एसपी जांगीर मो पा कल आसला जे इमें 3:30-4 गोटे पिला पड़ जा बोरवेल आ बहुत सारा एजेन्सी कर सारे आते खूब मना करनी आपंठ मोर बहुत आशा आगे आपड़ आशा कर आम निश्चिंत भाव यह चेष्टा कर 15 मिनिट भितर मोर आम टीम को ये थर्ड हंडर एंडलैन जो मुंडली कटक तार रीजनाल सेन्टर रीजनाल रेस्क्यू सेन्टर भिलाईर अवस्थित मोर ये 25 जन रुहत रेस्क्यू टीम को सांगे सांगे आलर्ट कर विदिन 15 मिनिट भितर आम बाहरी जाइए यू प्राय 275 किलोमीटर रास्ता ता जा समय आम सांगे सांगे एटिकार कलेक्टर एसपी आमर जो एटिकार रेभुन कमिशनर ही देखुंस परिचालन कर इमरजेन्सी को समस्त सहित कंटाक्ट करें लोकाल किए हेटी प्रत्यक्षदर्शी अच्छी सहित वीडियो कॉन्फ्रेंस करने विजुअल पठाईपाई कही तो मो टीम को से अनुजाई प्लानिंग करी केमी इमीडिएट लाइफ सपोर्ट मिल पार कारण से प्रारंभिक स्टेज बड़ क्रुशियाल टाइम से समय आम जब पिलार जीवन बचे न पारे तेल आग को आम रेस्क्यूर किसी फायदा हेर ना तेणु से वीडियो देखने बहुत सारा लोक ये एकाठी होती पब्लिक पूरा गाँववासी से प्रथम आडमिनिस्ट्रेसन बोल कहे लोक एटार हटात बिल्डिंगटा जो बोरवेल टी कोलाप्स होवार चान्स अच्छी तार जानक पाले बिल्डिंगटा क्रसिंग ना ये पाइप ना तेणु से बेसी चान्स थी कि कोलाप्स हो पारे किसी उपर कौन जिन खसी जा पड़े तेणु से पब्लिक हटेले लोकाल प्रशासन तापर कही कि आम कहल टे लाइफ सपोर्ट आगे दरकार इत के फुट जान पड़े लोकाल 60-70 फुट हो कहल कौटू मेडिकल टीम रु ऑक्सीजन नहीं कि प्रथम सप्लाई कर रखा आम पहुँचा पर्यटन आउ तार आम जाए टीम पूरा 11:30-12 पखापाखि 40 पहुँची गलु पहुँचला देख लु से ऑक्सीजन सिलिंडर भी आसी जाइला तापर गोटे लोकाल जी बोरवेल करारू कैमरा नहीं आम तार भितर को पकेली
କ୍ୟାମେରା ଦେଇ ଆମର ଟିମ୍ ଯେଉଁ ନାଁ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଅନିଲ ଆମର ସିନ୍ହା ସାର୍ ସେଥିରେ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସାଥୀ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସିହ୍ନାକୁ ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବସେଇଲୁ ଏଠି 24 ଆୱାର୍ ତା'ର ନିଗରାନୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଟା ତା ପାଖକୁ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଇ ସହିତ ତାକୁ ଲାଇଟ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତାକୁ ମୋରାଲ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଡାଉନ୍ ଦିନ ହେବନି ପିଲାର ରହିବ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବା ଆମ ପିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅନବରତ ରାହୁଲ ରାହୁଲ ଡାକି ତା'ର ମୋଟିଭେସନ୍ କରି ରଖିଲେ ପିଲା ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ ଯେମିତି ଆଉ ତା ସହିତ ତା ପାଖକୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ତାପରେ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲୁ ତୁରନ୍ତ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟି ଜାଣିଥିବେ ଆବ୍ନର୍ମାଲ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଆମର ସେଥିରେ କୌଣସି ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଆମେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ଫେଲୁଆଲ୍ ହେଲେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟର୍ନ କରି ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଥିଲୁ ତା ସହିତ ଦେଖିଲୁ ଏଥିରେ ସଫଳ ହେଉଛୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ କହିକି ତା'ର ପାଖରେ 3 ମିଟର ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଳି ଆସିବେ ପାରାଲାଲ୍ରେ ଗାତ ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ବହୁତ ମଦତ କରିଥିଲେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁତ ମଦତ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଲୋକାଲ ପ୍ରଶାସନରୁ JCB ଯେତେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଚାହିଁ ଆଣିକି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଗାତ ଖୋଳା ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଲା ତା'ପରେ ସେ ଗାତ ଖୋଳିବାରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଯାଉଥାଉ ସମୟ ବିତୁଥାଏ ଇଆଡ଼େ ପଥର ଲେୟାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ ପ୍ରଥମେ ତ ଏଇ ଛେଲା ମୋ ଛେଲା ଛେଲା ପଥର ପୁଣି ପୁରା ଚଟାଣ ବି ବାହାରିଲା 60 ଫୁଟ ଗଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଚଟାଣ ଯେଉଁ ଡଲାମାଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟୋନ୍ ତା'ପରେ ସେଠୁ 65 ମିଟର ଗାତ ଠାରୁ ପୁଣି ଆମେ 20 ଫୁଟର ଟନେଲ ଖୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋରୱେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସିଗଲା ତା'ର ସେ ଟାସ୍କକୁ ଆମେ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଯବାନ ପୁଣି ତଳେ ଘୁଷୁଡ଼ି ଯାଏ ଗୁଣ୍ଡି ନିଜ ପେଟ ଉପରେ 50 କିଲୋର ଓଜନ ଭାଇବ୍ରେଟର ରଖି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଧୂଆଁ ଧୂଳି ଗ୍ୟାସ ବାହାରୁଥାଏ ଏତେ ଟେମ୍ପରେଚର 42 ଡିଗ୍ରୀ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ସେଥିରେ ପଶି ମାନେ ଗୋଟେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଲାଇଫ୍ ରିକ୍ସରେ ଆମର ପୁରା ଟିମ୍ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ କୌଣସି ଜଣେ ବି ନୁହନ୍ତି କାରଣ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆଉ ଲୋକାଲ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବି ବହୁତ ସାରା ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଆସିକି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣ ଯେମିତି କାଲି ଦେଖୁଥିଲେ ନଜରୁଲ ହେଉ କି ସେ ପାଣିବାଲା ହେଉ ମାନେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଯେମିତି ରାମାୟଣ ସେତୁବନ୍ଧରେ ବାନ୍ଧିବାର ଭୂମିକା ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ଅଛି ନହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଟାସ୍କକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ NDRF ହିଁ କ'ଣ ସମସ୍ତେ କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି କହିଲେ କଲେକ୍ଟର ବଖାଣିଲେ NDRF ତ 95% କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଇ 5% ବିନା ବି ଆମର କାମ ବି ଅଧୁରା ହୋଇପାରିବ ଏଇଟା ମୋର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲା କ'ଣ ରହିଥିଲା ସେ 5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏମାନେ କିଭଳି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ମହାବୀର ମହାନ୍ତି ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏଥିରେ ପୁରାପୁରି ଟିମ୍ ସାମିଲ ଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ସାର୍ ଜି କିଆ ବୋଲେଙ୍ଗେ ଆପ୍ ହମ୍ ଦେଖି ଅଭିକି NDRF ଟିମ୍ କେ ଜ୍ୟାଦା ପ୍ରଶଂସା ହୋ ରହେ କାଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆପ୍ ସମ୍ବୋଧିତ କିଏ କିଆ ବୋଲେ ଥେ କେ କେସେ ଉସ୍ ଦିନ ଆପ୍ ଏ ଯୋଉ 105 ଘଣ୍ଟା କାମ କିଏ ଥି ସବସେ ପହେଲେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ସଭିକୁ ମେରା ନାମ ଶଶିକାନ୍ତ ସିହ୍ନା 3rd Battalion NDRF ସେ ଇଏ जो हमारा मिशन था ये कभी चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग इसलिए कहेंगे क्योंकि हमारे पास 2-3 रीजन थे। सबसे पहले जब हमने देखा बच्चे की हालत देख के पहले दिन ही हमने डिसाइड किया कि इसे निकालना है बाहर, लेकिन ये नहीं पता था कि कितना चैलेंज सामने आने वाला है। तो सबसे पहले हमारा 3 प्लान था, प्लान ए बी और सी। प्लान ए की जिम्मेदारी एग्जीक्यूट करने की मेरे पास थी कि बच्चे को किसी भी तरह इम्प्रोवाइज मेथड से बाहर निकाला जाए। इम्प्रोवाइज मेथड के यूज करते साथ साथ मोनिटर को हमेशा देखना था कि बच्चे को क्या तकलीफ़ हो रही है या वो उसको कैसे उसके तकलीफ़ को दूर करने की हम कोशिश कर सकते हैं। उसे भूख लग रही है, उसके भूख के इशारों को पहचानना है, उसके पेरेंट्स से संपर्क करके कि हाँ भाई किस तरह का वो इशारा करता है, ये चीज़ को हमने समझा। डॉक्टर से एडवाइस लिया, हर समय उसका रेस्पिरेशन चेक किया, उसका मूवमेंट को हमेशा ध्यान दिया। जब भी वो सुस्त हो जाता या ऐसा लगता कि वो सो रहा है या तो उसको बार बार हम जगाने की कोशिश करते। जगाने के लिए हमने कई बार उसे उसकी पसंद की गाना सुनाया, अंदर माइक डाल के उसे गाना सुनाने की कोशिश की, साथ में उसे खाने देने की बहुत कोशिश की। और लास्ट तक हमारे टीम कमांडर के द्वारा यही आदेश था कि जब तक आप कोशिश करते रहिए कि प्लान ए एग्जीक्यूट ना हो, आपको बार बार ये कोशिश करना है उसे निकालने की। और यही मोटिवेशन था कि हम लास्ट तक हार नहीं माने, फ्रॉम द फर्स्ट टू लास्ट टाइम हम हमेशा उसमें रस्सी डाले, उसे पुकारे और कोशिश किए किसी न किसी तरह वो हमारे जो इम्प्रोवाइज डिवाइस उसमें फंस के हम उसको बाहर निकाल सकें। ଦେଖୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲା NDRF କର୍ମଚାରୀ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର NDRF ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ପାଖାପାଖି 105 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ୟା ଭିତରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଏମାନେ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଯେ ଆମଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାନ୍ ଯଦି ଫେଲ୍ ମିଳିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଯିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ଲାନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ଥିଲା, ମାନବିକତା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ରାହୁଲ ଆଜି ଗୋଟେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅମଳ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।